हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th 2024 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ टू कॉइल C1 एंड C2 प्लेस्ड कोएक्सियली पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल C1, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है एंड करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन द करेंट I2 इन द कॉइल C2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स N2। क्लियर? यहाँ पर आपको C1 और C2 दो कॉइल्स दिया हुआ है, कोएक्सियली रखा हुआ है। कि कोएक्सियली का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक पेपर हमने यहाँ पर लिया और इस पेपर पर अगर हम कोएक्सियली दिखाने की कोशिश करें तो इस तरह से है। देखिए ये और ये ऐसे, ये कोएक्सियली हो गया। ये C2 है और ये C1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2 है। ओके, तो अब क्या है कि इसमें अगर करंट है I1, इसमें करंट क्या हो गया I2, तो इस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो मैग्नेटिक फील्ड किससे पास करेगी, इस सेकेंड वाला कॉइल से पास करेगी। समझ रहे बच्चों? सेकेंड वाला से। तो इसमें जो होगा, इसमें फ्लक्स इसमें पास करेगा, फील्ड होगा इसका, एरिया होगा इसका। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो फ्लक्स हो रहा है इसमें, जो फ्लक्स हो रहा है जैसे N2 और ΦB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है I1 के हो रहा है। तो जितने ज़्यादा इसमें करंट होगा उतने ज़्यादा फील्ड निकलेगी और वो फील्ड इससे पास करेगी। तो आप इसको लिखेंगे क्या, N2 ΦB इजिकल टू M और I1 लिखेंगे, इस तरह की बातें लिखेंगे। और फील्ड किसका है, फील्ड इसी का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे N2 लिखेंगे बिल्कुल। और इसमें क्या लिखेंगे B1 × A2 और M क्या लिखेंगे बच्चों I1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने N2 लिख दिया, क्लियर है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे B बराबर क्या होता है μ0 और N1 डिवाइडेड बटे क्या लिख देंगे L और एरिया A2 लिख देंगे। और इसमें जो करंट भी होगा μ0 I होता है, तो I यहाँ पर क्या है आपको I1 है, क्योंकि करंट इसका होगा फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो इजिकल टू M और I1 से I1 कट जाएगा। इसी टाइप का कोई हम लोग रिलेशन लाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस में, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर N1 है, पढ़ते देखिए, लेट ΦI1 बी द फ्लक्स थ्रू द कॉइल C1 जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 से, एंड व्हेन करंट इन कॉइल C2 इज I2 देन वी हैव N1 ΦI1 M I2। तो जो फ्लक्स आएगा फर्स्ट में वो करंट किसका होगा, सेकंड का। तो नाउ करंट वेरिंग विद टाइम, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, ये M है कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि EMF इजिकल टू होगा −N1 ΦI1 dt। इस EMF को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे सेकेंड इक्वेशन लिखे हैं ना, यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा −EMF1 m dI2 dt। मतलब कि करंट जो चेंज करेगा सेकेंड का, तो EMF इंड्यूस होगा फर्स्ट में। यही हुआ म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट। तो करंट चेंज किया सेकेंड का, EMF इंड्यूस हो गया फर्स्ट में। अगर EMF इंड्यूस सेकेंड में चाहते हैं तो करंट आपको चेंज करेगा फर्स्ट का। फर्स्ट का करंट चेंज करने से EMF सेकेंड कॉइल में इंड्यूस हो गया, सेकेंड का करंट इंड्यूस करने से फर्स्ट कॉइल में EMF इंड्यूस हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है। ओके, इट सो दैट वेरिंग करेंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस EMF इन द नाइबरिंग कॉइल। मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कई तरह के इसमें क्वेश्चन है। हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज इंक्रीज। मतलब कि कॉइल्स के बीच अगर डिस्टेंस इंक्रीज कराते हैं तो उनके बीच जो इंट्रैक्शन है, जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है,
वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस घट जाएगा। ठीक है, पहला का क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन द कोयल्स इज इंक्रीज, तो आंसर क्या है बच्चों, ये देखो आंसर यह हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? अब कह रहे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल्स इंक्रीजेज, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आप बताए थे आपसे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको रफ करके बताया है, यहाँ पर कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया वो क्या हो गया, एन वन एन टू म्यू जीरो डिवाइडेड बटे एल इंटू ए टू। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, मीडियम पे, शेप एंड साइज पे। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल इंक्रीज, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल बात है। ओके, ए पार्ट हम लोग ने सोल्व कर लिया, सिंपल था। बी पार्ट्स, प्लॉट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वर्सेस करंट आई एज शोन इन द फिगर फॉर द टू कंडक्टर्स ए एंड बी। मतलब कि ए और बी दो कंडक्टर्स है, जिसमें आपको दिखाया गया है, इधर दिया दिखाया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स, इधर दिखाया गया है करंट। तो कह रहे कि विच ऑफ द टू हैज लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस का मान ज़्यादा किसका होगा, ये सवाल है। क्लियर है? ये तो आपको बता दिया पहला का जवाब है। तो देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में अगर पढ़ेंगे आप, तो फाई बराबर एल आई आपने पढ़ा होगा। फाई बराबर एल आई, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप कि जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज़्यादा करंट होगा उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब इस समन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एल, जिसका नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं या सेल्फ कंडक्टेंस बोलते हैं। अब ये इसका मतलब है कि ये अपने ही सर्किट में अपना अपोज करता है। इस कांस्टेंट का मतलब है, आप थ्योरी पढ़े होंगे, मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो फाई इज इक्वल टू एल आई हो गया, तो फाई बटे आई हो गया इजकल टू एल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ग्राफ पहले देख लीजिए, यहाँ पर ग्राफ देखिए, फाई है और यहाँ पर आई है। तो फाई वर्सेस आई, ये एक ग्राफ हो गया, इसका नाम हो गया थीटा बी स्लोप हो गया, एक ये वाला स्लोप हो गया बच्चों थीटा ए। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है कि थीटा जो ए है वो बड़ा है किससे, थीटा बी से। तो टैन थीटा, अगर हम बात करें यहाँ पर कि टैन थीटा ए तो ग्रेटर देन क्या होगा, टैन थीटा बी। तो स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है और इसका स्लोप कम है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। क्या समझे बच्चों, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा फ्लक्स वर्सेस करंट, उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अब यहाँ आइए, फाई इजिकल टू एल आई हो गया, तो फाई बटे आई इजिकल टू एल हो गया, और ये फाई बटे एल स्लोप आपको दिया, ये सब स्लोप उसी का है। ओके, द स्लोप ऑफ फाई बटे आई ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस एल, इट इज ग्रेटर फॉर कंडक्टर ए, देयर फॉर कंडक्टर ए हैज द लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर हो गया ना बात, है ना बच्चों? हाउ इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स अफेक्टेड व्हेन सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स इंक्रीज, तो सेपरेशन बिटवीन द कॉइल इंक्रीज करेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। अभी बात किए थे नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल इंक्रीज द म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज। अ थिन आयरन शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू कॉइल्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। कह रहा है कि कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग मटेरियल या मेटल, थिन प्लेट्स एगरे वगैरह, अगर हम उसके अंदर इन बिटवीन दो जो कोयल्स होता है इन बिटवीन अगर प्लेस्ड कर दें तो क्या होगा, ये सवाल है। ओके, अब इसका जवाब देखिए क्या है जवाब। सी में जो फर्स्ट है कि वेन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द कोयल्स इंक्रीज द लीकेज ऑफ द फ्लक्स इंक्रीज, मतलब फ्लक्स लीक कर जाता है, मतलब कि एक दूसरे से जो फ्लक्स ट्रांसफर करता है वो कुछ अमाउंट में लीक करेगा। विच रिड्यूसेस द मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ द कोयल्स, सब मैग्नेटिक फ्लक्स लीक विथ ऑल अदर टर्न्स डिक्रीजेज
देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज। सही बात है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल इज ऐसा दिया होता है, एम बराबर के रूट अंडर एल वन प्लस एल टू, एल वन एंड एल टू इज द सेल्फ इंडक्टेंस, कैपिटल एम इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, और एल बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बटे एल, तो एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। देयरफॉर व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल इंक्रीज म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज, फार्मूला भी मैंने आपको दिखाया था। ओके, सेकेंड में थर्ड में है कि व्हेन अ थिन आयरन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन थिन आयरन सीट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू कॉइल्स म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन परमेबिलिटी। इंडक्टेंस बराबर होता है म्यू जीरो एन वन एन टू ए डिवाइडेड बाय क्या एल, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा। थर्ड में था कि व्हेन अ थिन आयरन सीट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू कॉइल्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज बिकॉज एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परमेबिलिटी, एम जो है परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दो रॉड के बीच में अगर कोई, दो वायर के बीच में अगर कोई आप थिन मटेरियल रखेंगे तो म्यू जो वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा। द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन कॉइल्स इंक्रीज सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज। उसके बाद है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी। एनर्जी को आपको डिराइव करने के लिए आता है, इसे लिखा हुआ है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस आपको कॉइल को डिफाइन करना है सो दैट मैग्नेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करेंट आई इन द कॉइल ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस एल इज गिवन बाय वन बाई टू एल आई स्क्वायर। ये एनर्जी होती है वन बाई टू एल आई स्क्वायर। ओके, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, फुल स्टॉप। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल टू बिल्ड अप अ करेंट आई थ्रू इट। कहने का मतलब है कि आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना है, जैसे कि वन बाई टू एल आई स्क्वायर प्रूफ करना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, यूजिंग फार्मूला फाई बराबर एल आई, इफ आई इज इक्वल टू वन एम्पियर देन एल इज इक्वल टू फाई। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब सेल्फ इंडक्टेंस जो कॉइल है वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। कब, जब वन एम्पियर करेंट लिंक्ड थ्रू द कॉइल। वही लिखा हुआ है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन अ यूनिट करेंट फ्लो थ्रू इट। अब देखिएगा अल्टरनेटिवली इसमें क्या लिखा हुआ कि यूजिंग फार्मूला ई एम एफ बराबर एल डी आई अपन डी टी, भी फार्मूला होता है। तो इफ डी आई अपन डी टी इज इक्वल टू वन एम्पियर पर सेकेंड, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ई एम एफ के बराबर हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इट सेल्फ वेन द करेंट वेरीज एट द रेट ऑफ वन एम्पियर पर सेकेंड। सही है बच्चों, अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग को डेराइव करना है वन बाई टू एल आई का स्क्वायर का वैल्यू। तो कैसे डेराइव करेंगे आप देखेंगे, देखें एक यहाँ पर हम कॉइल ले लेते हैं जिसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू एल है। द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन अ टाइम वेरिंग करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल बैक ई एम एफ माइनस ई प्रोड्यूसेस विच अपोज द ग्रोथ ऑफ द करेंट फ्लो। ये जो ई एम एफ है, जो ये वाला ई एम एफ का वैल्यू है, ये वाला ई एम एफ एल डी आई अपन डी टी, तो इसमें जो माइनस ई एम एफ प्रोड्यूस होता है, निगेटिव ई एम एफ प्रोड्यूस होता है, और निगेटिव ई एम एफ का मतलब ये होता है कि जो ई एम एफ इंड्यूस हुआ है ना, तो ये ई एम एफ खुद इसमें एक करेंट इंड्यूस करेगा, वो करंट इस ईएमएफ का अपोज करेगा, उसीलिए इसका नाम जो लिखा हुआ है वो बैक ईएमएफ लिखा हुआ है।
बैक ईएमएफ का मतलब वो होता है कि वैसा ईएमएफ जो इंड्यूस करंट का अपोज करेगा। इट मींस सम वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंक्रीजिंग अ करंट आई। सही बात है, कह रहा है कि जैसे इसके खिलाफ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके खिलाफ करंट इंड्यूस होगा और वो करंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा। इट मींस सम वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेबलाइजिंग द करंट आई। क्रिस्टल, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी वर्क डन को हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं। फॉर द करेंट आई एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ वर्क डन इज, मतलब कि डी डब्ल्यू बटे डी टी इज इक्वल टू माइनस ई एम एफ इंटू आई। ये हो गया पावर, पहली बात वर्क डन बटे टाइम क्या हो गया, पावर हो गया। अब पावर बराबर क्या होता है बच्चों, ई एम एफ इंटू आई होता है। क्या होता है, ई एम एफ वी इंटू आई भी कह सकते हैं। तो ओनली फॉर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द कॉयल EMF इज इक्वल टू एल डी आई अपन डी टी, है ना। तो EMF का वैल्यूज एल डी आई अपन डी टी आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू अपन डी टी। EMF के जगह पर ये रख देंगे एल डी आई अपन डी टी इंटू आई। अब ये डी टी से जो डी टी है ये वाला डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई, है ना बच्चों, एल आई और डी आई बच जाएगा। अब इसी में आप टू एल आई डी आई फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, डी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बोलते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो डी यू बराबर एल आई डी आई लिख सकते हैं। U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर I L I D I। अब क्या है बच्चों कि L को बाहर ले जाना है, L को बाहर निकालेंगे और I D I को इंटीग्रेशन करेंगे, तो I का इंटीग्रेशन होगा I स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। अब जीरो से I इसका लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 L I स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया डी डब्ल्यू अपॉन डी टी पावर हो गया, पावर बराबर ई एम एफ अपॉन टू करेंट होता है ना। तो ओनली फॉर इंडक्टिव इफेक्ट ई एम एफ बराबर ये होता है, इसको पुट करेंगे डी 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 टी कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, है ना बच्चे। दैट लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग्स विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ को ऐसे समझिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पर एक कॉयल है, कॉइल। तो ये मैग्नेट अगर इस कॉइल की तरफ जा रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसके द्वारा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगी, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करेगी, बढ़ेंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी, तो उसका चेंज क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो इस तरह से करंट को इंड्यूस कराएगा ताकि यहाँ पर नॉर्थ बन जाए। अब ये वाला नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, समझ में आ रही बात। मतलब कि इस मैग्नेट को इधर जाने से ये कॉइल रोकेगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेट इधर जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या करेगा, घटेगा। तो घटेगा तो इसमें जो ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ, वो करंट को इंड्यूस कराएगा, तो उस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि ये साउथ हो जाए, मतलब इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे। तो अब ये साउथ इस नॉर्थ पोल को जाने भी नहीं देगा, अट्रैक्ट करेगा, ये रोकेगा जाने से, नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ है तो, ये जब जाने लगेगा तो यहाँ साउथ बन जाएगा, और ये नॉर्थ है तो इसको जाने भी नहीं देगा, मतलब इसको अंदर आने भी नहीं देगा, इसको यहाँ पर जाने भी नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसी के वजह से इसमें करंट आया है, और वो करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करता है
जिस जो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करता है, इसका भी जाने से अपोज करेगा, इसको आने से अपोज करेगा, यही सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको रीड करके समझाता हूँ। लेंज लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इन अ क्लोज्ड सर्किट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज दैट इंड्यूस्ड इट। इसमें जो करंट इंड्यूस होता है वो करंट अपोज करेगा किसका, जिसके वजह से इंड्यूस हुआ है। तो इसमें करंट किसके वजह से इंड्यूस हुआ है, इस बार मैग्नेट की वजह से। तो इस बार मैग्नेट के इधर मोशन की वजह से, तो इस बार मैग्नेट को ही अपोज करेगा, यही ये बात हुआ। एग्जाम्पल में देखिए, व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ द क्वाइल इज ब्रॉट नियर अ क्लोज्ड क्वाइल द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द क्वाइल इन इज सच एज टू अपोज द अप्रोच ऑफ नॉर्थ पोल। इसमें कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है और उसका नॉर्थ पोल जो है इस क्वाइल की तरफ अप्रोच हो रहा है, उसके वजह से इस क्वाइल में एक ऐसा करंट सेटअप होगा जो करंट इस नॉर्थ पोल के मूवमेंट का अपोज करेगा, मोशन का अपोज करेगा, ये बात है। फॉर दिस द नियर फेस ऑफ द क्वाइल बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। तो इसका जिस क्वाइल है वो नॉर्थ पोल के फेस में आएगा, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल ही प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस नेसेसिटेट्स एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द क्वाइल। आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज जब क्वाइल में करंट जाएगा तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा तो मतलब वहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा। द क्वाइल व्हेन सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड। सिमिलरली व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द क्वाइल द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्वाइल विल सच एज दैट एज टू अट्रैक्ट द मैग्नेट। अब ये है क्या कि ये मैग्नेट जाने की बात कर रहा है बाहर, तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस हो जाएगा जो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। फॉर दिस नियरेस्ट फेस ऑफ द क्वाइल बिहेव्स एज साउथ पोल दिस नेसेसिटेट्स द क्लॉकवाइज करंट इन द क्वाइल व्हेन सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड। तो इसमें जो होगा करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आने से यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा। अब ये जो है कहता है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंसेप्ट कहता है। तो इसको समझिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लेंज लॉ। दस ईच कॉज व्हेन इवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल एंड द मैग्नेट द फोर्स बिगिंस टू एक्ट विच अपोज द रिलेटिव मोशन। देयरफॉर टू मेंटेन द रिलेटिव मोशन मैकेनिकल वर्क मस्ट बी डन। दिस वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ क्वाइल। दस लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये बार मैग्नेट है, शुरू में इसका स्पीड ज़्यादा था तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे इसका स्पीड घट रही है क्योंकि यहाँ नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है, तो रिपेल कर रहा है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो घट रहा है। तो बीच का डिस्टेंस जब घटेगा तो फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा, फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा तो वर्क डन क्या करेगा, बढ़ेगा। वर्क डन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब कि जितने नज़दीक जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी घटेगा, चूँकि स्पीड घटेगा, रिलेटिव मोशन घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है क्योंकि शुरू में काइनेटिक एनर्जी इसका घट रहा है, मतलब कि बढ़ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इंटू पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब एक बड़ा क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग किसको बोलते हैं, राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। बी में देखिए, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल विथ वन एंड पिवोटेड इज रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ वर्टिकल प्लेन नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी।
डेड्यूस एंड एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस रॉड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इफ रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज कैपिटल आर, तो व्हाट इज द करंट इंड्यूस्ड इन इट, इसी में है. तो सबसे पहली बात कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, द ईएमएफ डेवलप इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. कोई इस तरह से कॉइल यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे सर्कुलर पाथ में, और इसमें अगर कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा रहे हैं तो इस कॉइल से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी कर रहा है, तो इसी कॉइल के अंदर एक करेंट आ जाएगी. इसका मतलब है कि उसके अंदर पहले ईएमएफ आएगी, वही बात यहाँ लिखा हुआ है. फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि जितने ज़्यादा फ्लक्स का चेंज होगा उतने ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फैराडे गिव टू लॉ अकॉर्डिंग टू इंडक्शन. पहला लॉ है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. कह रहा है कि किसी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है सर्कुलर कॉइल से तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. इफ कॉइल इज क्लोज्ड द करेंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड. द ईएमएफ एंड द करेंट लास्ट सो लॉन्ग एज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट. दस इफ डेल्टा फाई इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन ए टाइम डेल्टा टी, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी. मतलब कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये कहना चाहता है. देखिए तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी. सेकेंड में है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इन इट. अब कह रहा है इसमें क्या कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से होता है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो खुद करंट इंड्यूस करेगा, वो करंट इसके चेंज को अपोज करेगा. तो वही लिखा हुआ, तो इसमें करना कुछ नहीं है, यही रखना है, खाली एक माइनस साइन लगा देना है. जैसे कि डी एसेलरेशन आप पढ़ते थे तो डी एसेलरेशन में क्या करते थे कि भाई एक मतलब कि निगेटिव कर देते थे एक्सेलरेशन को और बोलते थे कि ये वेलोसिटी का अपोज करता है. तो वहीं यहाँ पर माइनस लिख दिया और कुछ नहीं किया है, माइनस डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी. हियर द निगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. द ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ proportionality which depends on units chosen for phi, t and emf. Full stop. In SI system, the unit of flux phi is Weber, unit of time t is second and unit of emf is volt and k is equal to 1. The emf is equal to minus delta phi upon delta t. काफी important है, okay? तो ये हुआ पहला, पहला कंडीशन हो गया. और दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि एक रॉड है उसकी लंबाई एल है, उसको वन एंड से फिक्स कर दिया गया है और सर्कुलर पाथ में उस रॉड को क्या किया जा रहा है, रोटेट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में. तो जाहिर सी बात है कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस तो कैलकुलेट करना ही है बी के टर्म में. और उसके बाद उस वायर में रेजिस्टेंस आ रहा है तो ये भी बताना है कि इस रॉड में या वायर में कितना करंट इंड्यूस होगा. इन द कॉइल कंटेन्स एन टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर देन द फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न विल बी सेम एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच टर्न्स विल बी सेम डायरेक्शन हैंस ईएमएफ ऑफ ऑल टर्न्स विल बी एडेड देयरफॉर The EMF induced in the whole coil. ये कह रहा है कि अगर n number of turns है, मतलब कि एक round इस तरह से वायर है आपके पास, तो उसका EMF तो हो जाएगा माइनस डेल्टा फाइव अपन डेल्टा t. और इसी तरह से आपको n number of turns ऐसे से दिया हो, n number of turns इस तरह से दिया हो,
तो क्या करेंगे, सभी का एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो EMF इक्वल टू माइनस एन और डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन को अंदर भेज सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एन फाई इज कॉल्ड द इफेक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड इन द क्वाइल एंड मे बी डिनोटेड बाय फाई। ओके, अब देखिए रॉड वाला रिजल्ट कैसे है कि देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यहाँ पर एक रॉड को ए लंबाई का रॉड है उसको मैंने फिक्स कर दिया है ना बच्चों, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक डीएक्स एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लिया। ध्यान दीजिए, सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक हमने डीएक्स एलिमेंट्री पार्ट कट लिया और इसका वेलोसिटी क्या दे दिया, वी। तो इस तरह से ये वी क्या होगा, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में चलेगा, एलिमेंट्री पार्ट हो गया, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट जिसकी चौड़ाई क्या है dx है, और इस तरह से ये मोशन में आ जाएगा जिसका वेलोसिटी यहाँ पर भी दिया हुआ है। गौर से देखिएगा, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो ये बात जैसे ये लिखा हुआ है कि ओ से x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लिए। कंसीडर अ मेटालिक रॉड OA, O और A एक मेटालिक रॉड है ऑफ लेंथ L विच इज रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसमें ये रोटेट कर रहा है। द प्लेन ऑफ रोटेशन बींग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फुल स्टॉप। अ रॉड मे बी सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। अब ये जो रॉड है बहुत सारे टुकड़े में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे टुकड़े में इसको आप डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, ऐसे ऐसे। तो वही कह रहा है कि सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ dx एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से x डिस्टेंस पर जाकर एक dx एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिए। ओके, इफ v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट, If v is the linear velocity of this element, ये v velocity है जो circular path में ऐसे ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है, velocity of this element, then area swept by the element per second v dx, है ना, area swept by the elements per second v dx हो जाएगा। The EMF induced across the ends of the element, द ई एम एफ इंड्यूस्ड ए क्रॉस द एंड्स ऑफ एलिमेंट, द डी ई एम एफ बराबर बी और डी ए अपन डी टी। ई एम एफ बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई एम एफ बराबर क्या हो जाता है, ऐसे भी होता है ना ई एम एफ, जैसे ई एम एफ हुआ और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी फाई अबाउट ए डी टी, डी फाई अपन डी टी है ना बच्चों। तो फाई के बदले क्या लिखते हैं, फाई के बदले लिखते हैं बी इंटू ए, फाई बराबर बी इंटू ए लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बी कॉन्स्टेंट है तो इसको हटा दिया मैंने, और ये एरिया कवर करेगा ऐसे ऐसे, इतना टुकड़ा का एरिया है, इस यहाँ से एक्स का अब एरिया कवर करेगा, तो एरिया वेरिएबल हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एम एफ बराबर, याद करिए, अगर ये आप नहीं समझ रहे हैं तो डायरेक्ट दिस इक्वल टू दिस भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे, ई एम एफ बराबर जो होता था वो वी पी एल होता था, तो डी ई एम एफ बराबर क्या होगा बच्चों, डी जो ई एम एफ होगा उसको आप कैसे लिखेंगे, वी लिखेंगे, बी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एक्स लिख देंगे टुकड़ा के लिए, पूरा लंबाई के लिए तो आपने ई एम एफ बराबर वी पी एल लिख दिया पूरा लेंथ के लिए, और इस एलिमेंट्री टुकड़े के लिए लिखे उसमें डी ई एम एफ है, वी बी और डी एक्स, वहीं यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं ना, बी वी डी एक्स, बी वी डी एक्स, डी एम एफ ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट तो यहाँ नहीं होगा आपको, मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर लिखे हैं कि वी बराबर आर इंटू ओमेगा, याद है, तो यहाँ पर एक्स है, रेडियस की जगह पर क्या है, एक्स है,
देखो यहाँ से यहाँ तक x, तो इसका अगर हम v की बात करेंगे, v का, तो v इक्वल टू x इंटू ओमेगा, v बराबर r के हिसाब से। तो DEMF इज इक्वल टू b और v के जगह पर x इंटू ओमेगा dx। द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड, अब पूरे रॉड में कैसे EMF होगा, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो EMF मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से एल तक तो बी एक्स ओमेगा डी एक्स, तो बी और ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो बी और ओमेगा को मैंने बाहर कर दिया है, अब जीरो से एल एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जीरो से एल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बटे टू, तो यहाँ पर लिखेंगे बी ओमेगा और इसको लिखेंगे एल स्क्वायर बटे टू, जीरो से एल तक पुट करेंगे, जीरो से एल तक, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो ई एम एफ बराबर वन बटे टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट इंड्यूस्ड इन द रॉड, तो आई इज इक्वल टू ई एम एफ बटे आर वन बाई टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे आर, ये लिखेंगे, है ना, पहले से ये था ही, ये लिख दिए। अब इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, पावर कितना होगा, ई एम एफ के स्क्वायर बटे आर, तो ई एम एफ ये है आर, तो बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बटे फोर आर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। जो रिजल्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग एयर कोर सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन, कह रहा है कि एक सोलेनोइड दिया हुआ, दिस इज द सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड है, उसकी लंबाई एल है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसके अंदर एयर है, क्या है, एयर, मतलब कि कोई मीडियम नहीं है, ये बात कह रहा है, तो आपको कह रहा है कि इसके लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस का मान कैलकुलेट करना है, एक लॉन्ग सोलेनोइड है, उसकी लंबाई एल है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स एन है, इस तरह से जैसे लपेटे हुए बहुत सारे वायर, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग एयर कोर सोलेनोइड, कंसीडर अ लॉन्ग एयर सोलेनोइड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर कैपिटल एन दिया है नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, स्मॉल एन ले लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इफ करेंट इन सोलेनोइड इज आई देन मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड बी बराबर, ये आप जानते हैं सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर उसके अंदर एयर होता तो बी इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन इंटू आई वेयर म्यू जीरो इज इक्वल टू फोर पाई टेन टू द पावर माइनस सेवन हेनरी पर मीटर इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इफ कैपिटल ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनोइड जो कैपिटल ए है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है देन इफेक्टिव फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड ऑफ द लेंथ एल इज देखिए फ्लक्स क्या होता है फाई बराबर बी इंटू ए होता है तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या लिखेंगे फाई बराबर एन बी ए लिख देंगे क्लियर है अब देखिए स्मॉल एन बराबर स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है कैपिटल एन बट एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन का मतलब होता है तो कैपिटल एन बराबर हो गया स्मॉल एन इंटू एल समझ में आ रहा है कैपिटल एल सॉरी कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू लेंथ तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल ऑफ सोलेनोइड तो फाई इज इक्वल टू जो कैपिटल एन है वहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एन इंटू एल बी इंटू ए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम फर्स्ट ये देखिए ये इक्वेशन आपको फर्स्ट है यहाँ पर अब कह रहा है कि इस बी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा म्यू जीरो एन इंटू एन एन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू आई ये फ्लक्स मिल गया जब फ्लक्स मिल जाएगा ना तो आप सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे वो कैसे फाई बराबर जो होता है वो एल इंटू आई होता है अब इस फाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इसमें भी आई है और इधर भी आई है तो आई आई कट जाएगा और कैपिटल एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपको मिल जाएगा कैपिटल एल इज इक्वल टू फाई बटे आई
इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल हुआ, फाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया तो एज आई कट गया, ए बच गया। इफ एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल देन स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे एल, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा यहाँ पर पुट कर देंगे म्यू जीरो एन बटे एल का स्क्वायर इंटू एल, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बटे एल। रिमार्क्स, इफ सोलनॉइड कंटेन्स अ कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर देन सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू म्यू आर म्यू जीरो एन स्क्वायर इंटू ए बटे एल। कैपिटल एल इक्वल टू म्यू आर म्यू जीरो एन स्क्वायर इंटू ए बटे एल। अब एक लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड एस वन एंड एस टू, वुड वन ओवर द अदर ईच ऑफ लेंथ कैपिटल एन ए रेडियस आर वन एंड आर टू कोरस्पॉन्डिंग एन वन एंड एन टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ व्हेन अ करेंट आई इज सेट अप इन अ आउटर सोलेनोइड एस टू। आउटर वाला में सिर्फ दिया हुआ है करेंट। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, ओवरऑल में लिखा है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स ऑफ सेम लेंथ वुड वन ओवर द अदर। इन एक्सपेरिमेंट टू कॉइल्स सी वन एंड सी टू आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल सी वन ड्यू टू चेंज इन द करेंट थ्रू द कॉइल सी टू। पहला आपको मिलना वाला है, पहला जवाब ये है इसमें अगर देखा जाए कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द वायर इंटिस एसआई यूनिट। देखिए यहाँ पर गौर से आप देखेंगे तो दो आपको सोलेनोइड दिया हुआ, दो सोलेनोइड है यहाँ पर लॉन्ग ये देखिए एक बड़ा हुआ है एक इसके अंदर छोटा है, मतलब एक का रेडियस आर वन है छोटा वाला का, बड़ा वाला का रेडियस आर टू है, लंबाई दोनों का सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स अंदर वाला में एन वन है जिसको एस वन नाम दिया है सोलेनोइड, और नंबर ऑफ टर्न्स बाहर वाला का एन टू है जिसको एस टू दिए हैं सोलेनोइड का नाम। तो अगर इसमें आप करंट देती हैं, किसमें करंट दिया हुआ है, देखो बड़ा वाला में करंट दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ बच्चों बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला में जब करंट देंगे तो छोटे वाला के अंदर में करंट इंड्यूस हो जाएगा, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक म्यूचुअल बिहेवियर है। म्यूचुअल बिहेवियर का मतलब होता है कि दो कॉइल एक ही शक्ल का होगा, जिनकी जो शेप एंड साइज होगा वो सेम होगा और फेस टू फेस ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो इसमें करंट है तो इसमें करंट होगा तो इसी में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा बड़ा वाला में, और ये मैग्नेटिक फील्ड छोटा वाला से पास करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बड़ा वाला का और एरिया हो गया छोटा वाला का, तो फ्लक्स किसका हो गया छोटा वाला का। तो छोटा वाला का फ्लक्स लिखिएगा तो छोटा वाला का एरिया इंटू बड़ा वाला का मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फ्लक्स में ये जो फ्लक्स है इसमें आएगा वो फ्लक्स हो सकता है इसमें चेंज भी करे तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये में इंड्यूस होगा इसमें। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि बड़े वाला वायर में हम लोग करंट देंगे और बड़े वाला वायर के वजह से छोटा वाला में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। When a current flowing in one of two nearby coils is changed, the magnetic flux linked with the other coil changes, due to which an EMF induced in the other coil. समझ रहा है? ये कह रहा है कि अगर उसके पास में कोई एक दूसरा coil है, मैंने दो coil है और एक में current दिया हुआ है तो उसके करंट के वजह से दूसरा में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, इसीलिए दूसरा में ईएमएफ इंड्यूस करेगा और ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो फिर दूसरे वाला में ही क्या करेगा करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। द क्वाइल इन विच
करेंट इज चेंज्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल एंड द कॉइल इन विच द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। सही है। द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। सिंपल बात है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिजल्ट ड्राइव करें, तो करते हैं। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। सही बात है। ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो हो जाएगा फाई डिवाइडेड बटे आई। सही बात। ओके, कंसीडर टू। अब इसमें देखो बच्चों, डायग्राम तो आप देख ही रहे हैं कि एल लेंथ है पूरा ओवरऑल, और बाहर वाला का एन टू नंबर ऑफ टर्न्स है, अंदर वाला में एन वन नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, अंदर वाला का रेडियस आर वन है, बाहर वाला का रेडियस आर टू है, ओवरऑल लेंथ एल है। तो कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स ईच ऑफ लेंथ कैपिटल एल, फुल स्टॉप, इफ एन वन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द इनर सोलेनोइड एस वन ऑफ रेडियस आर वन एंड एन टू बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द आउटर सोलेनोइड एस टू ऑफ द रेडियस आर टू। ये सही बात है जो इसमें दिया हुआ है वो बोल रहा है। ओके, इमेजिन द टाइम वेरिंग करेंट आई टू। तो बाहर वाला में करेंट क्या है? आई टू। बाहर वाला में करेंट, जैसे इसमें एन टू में करेंट मान लीजिए कि आई टू है। सही है बच्चों। तो करंट इसमें क्या हो गया? आई टू। इमेजिन अ टाइम वेरिंग करंट आई टू थ्रू एस टू विच सेट अप द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वन थ्रू एस वन। अब बाहर वाला जो करंट है वो अंदर वाला में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वन सेटअप कर दिया, ये कह रहा है। तो फाई वन बराबर जो होगा एम वन टू इंटू आई टू, आई टू के चलते फ्लक्स फर्स्ट में आ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर एम वन टू कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड एस वन विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड एस टू। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट आई टू इन एस टू इज द बी टू बराबर म्यू जीरो एन टू आई टू। बिल्कुल सही बात है। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते थे? बी बराबर म्यू जीरो एन आई। तो करेंट किस में है? आई टू में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बी टू होगा म्यू जीरो एन टू। अब इसमें इसको इसको फाइव टू फाइव वन लिखे है ना, तो फाइव वन में क्या लिखिएगा? फील्ड किसका है? दूसरा का। अब फ्लक्स किसका है? फर्स्ट का। तो एरिया इसका होगा और फील्ड बाहर वाला का होगा। समझ में आया? तो जब ये बात आप लिखिएगा यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एस वन क्या होगा? देखिए, फाइव वन बी टू दूसरा का फील्ड है और एरिया पहला का है, नंबर ऑफ टर्न्स भी पहला का है। एन वन बराबर स्मॉल एन वन इंटू एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लेंथ ऑफ सोलेनोइड। फाइव वन इज इक्वल टू क्या लिख कर सकते हैं? म्यू जीरो एन टू आई टू पाई आर स्क्वायर एन वन इंटू एल। ये फाइव वन आ गया, देख रहे हैं ना, फाइव वन। तो अभी आपको बताया गया था कि जो एम होगा वो क्या होगा? एम वन टू इज इक्वल टू होगा फाइव वन डिवाइडेड बटे आई टू, ऐसा होगा, होगा ना। तो फाइव वन का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आई टू और आई टू कट जाएगा, तो ये मिलेगा। लेट अस कंसीडर रिवर्स केस। अब रिवर्स केस कंसीडर करिए। रिवर्स केस कंसीडर का मतलब हुआ कि जो छोटा वाला कॉइल है उसमें करंट आप आई वन मान लीजिए, ठीक है, एस वन में करंट आई वन है, तो दूसरा में फ्लक्स आ जाएगा, है ना, थ्रू एस टू। तो फिर वही बात, फाइव टू बराबर एम टू वन आई वन। फिर एम वन टू का मतलब हुआ कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड एस टू विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड एस वन। मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एस वन इज कन्फाइंड, है ना, सोले इन एस वन एज द सोलेनोइड्स आर एज्यूम टू बी वेरी लॉन्ग। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एस वन ड्यू टू करेंट आई इन एस वन। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एस टू इज, फिर वैसे ही बात। अब यहाँ पर फाइव टू निकालेंगे तो बी वन होगा, फाइव टू होगा फ्लक्स सेकेंड में, लेकिन फील्ड किसका होगा? पहला का, है ना। अब बी वन ए वन एन टू, इसको सबको पुट कर देंगे जैसे यहाँ किए हैं ना, सेम ऐसे ही कर दीजिए और ये आ गया रिजल्ट। तो इसमें क्या मिल रहा है कि एम जो वन टू है वो एम टू वन के बराबर है, और फाइनली इसको हम लोग एम एम लिख दिया।
और m बराबर म्यू जीरो एन वन एन टू पाई आर वन का स्क्वायर इंटू एल, तो वी कैन राइट एबव इक्वेशन m इज इक्वल टू म्यू जीरो एन वन बटे एल एन टू बटे एल पाई आर स्क्वायर इंटू एल. तो m इज इक्वल टू म्यू जीरो एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर बटे एल. वेन द करेंट इन द क्वाइल सी टू चेंजेज द फ्लक्स लिंक्ड विथ सी वन चेंजेज, दिस चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विथ सी वन इंड्यूस्ड ई एम एफ इन सी वन. सीधी सी बात, फ्लक्स लिंक्ड C1 बराबर फ्लक्स ऑफ C2 होगा. अगर C1 में आप इंड्यूस देखना चाहते हैं तो फ्लक्स किसका होगा? C2 का. इसमें अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना चाहते हैं तो फ्लक्स इसका होगा. तो देखिए फाइव वन टू बी इंटू ए, तो म्यू जीरो आई बटे टू आर. किसी सर्कुलर क्वायल के चलते उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है बच्चों? यही होता है, देखो b इंटू म्यू जीरो आई बटे टू आर आई इंटू ए. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? c1 वन इजकल टू डी फाई अपन डी टी, तो d अपन डी टी और फाई बी वन, इसका पूरा वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. देखिए पूरा वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो करंट बदल रहा है बाकी सब कांस्टेंट है. तो म्यू जीरो ए बटे टू आर बाहर और डी आई अपन डी टी, ये रिजल्ट हो गया. क्लियर है? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने बात किया था. तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.